water management. Every year, 22nd March is celebrated as the World Water Day. हर साल 22 मार्च को हम World Water Day celebrate करते हैं. We celebrate this day to attract everybody's attention towards the importance of conserving water. अब हम इस दिन water को specially क्यों water day बनाते हैं? ताकि हमें ये पता चले कि पानी हमारे लिए conserve करना कितना important है, पानी को save करना कितना important है. There is a general consensus that for satisfying individuals' personal and domestic needs such as drinking, washing, cooking and maintaining proper hygiene, water requirement is about 50 liters per capita per day. यानी कि अब इन्होंने बताया कि हमने एक general निकाला है कि एक person को per day कितनी need होती है अपने general कामों के लिए, जैसे कि domestic जो हमारा खाना बनता है उन सब चीज़ों के लिए, पीने के लिए, धोने के लिए, cooking के लिए, hygiene maintain करने के लिए. तो हमारी total requirement कितनी है ऐसी 50 liters है per person की per day. Today, the world is healing towards a water crisis. अब आजकल हमको पता है कि पानी की कितनी ज़्यादा कमी होने लगी है. According to a recent United Nations report, the supply of clean and fresh water is depleting at such an alarming rate that in some regions within 30 years, about 2/3 of the population will suffer a moderate to severe water crisis. तो अब एक रिपोर्ट हुई है, एक सर्वे होगा, तो जिससे एक रिपोर्ट पता चली है कि जो सप्लाई है क्लीन पानी की, यानी कि बिल्कुल साफ़ और स्वच्छ पानी की है, वो आने वाले अगले 30 सालों में जो लोग हैं यानी कि 1/3 पॉपुलेशन है वो उससे सफ़र करेगी. आगे आने वाले 30 सालों में जो 1/3 पॉपुलेशन है हमारी, वो किस चीज़ से सफ़र करेगी कि हमारे पास लैक ऑफ वाटर हो जाएगा. A water crisis is defined as the situation where there is fall in the availability of usable water such that there is insufficient water to satisfy normal condition. अब water crisis हमारा basically क्या होता है कि हमारे पास उतना भी पानी available नहीं है कि हम अपनी essential requirements को पूरा कर पाएं. It is also known as water scarcity. इसको हम water scarcity भी कहते हैं, यानी कि पानी की कमी हो जाना. We often face water scarcity during the summer season. अब जब गर्मियों का टाइम आता है तब भी पानी की कमी हो जाती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमको पता है कि गर्मियों में पानी की नीड ज़्यादा हो जाती है. हम लोग ज़्यादा पानी पीना शुरू कर देते हैं. We often take bath twice in a day. तो उसकी वजह से भी हमारा जो पानी है उसका यूजेज बढ़ जाता है. As a result, the municipal water supply is restricted. तो इससे क्या होता है, जो कि municipal water है यानी कि जो government हमें पानी supply करती है उसको भी वो restrict कर देती है, यानी कि एक particular amount तक ही वो supply करती है. Our wells and hand pumps get dried, resulting into water crisis. अब जो हमारे कुएँ और जो hand pump है वो सूखे पड़ जाते हैं, क्योंकि हमने जो पानी है वो तो सारा use कर लिया, तो ग्राउंड वाटर में बचेगा कैसे. Due to this, we see long queues for water, fights, marches and protest for demand of water at some places, especially during summers. इसलिए हम आजकल क्या देख रहे हैं कि जब पानी की कमी होती है तो लोगों के लिए लंबी लंबी लाइनें लग जाती है पानी के लिए. अगर लोग टैंकर मंगवाते हैं तो उसमें पानी भरने के लिए कितनी लंबी लाइन लग जाती है. लोग इवन प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें पानी चाहिए, और क्या होता है, लोगों की लड़ाइयाँ भी हो जाती है पानी के लिए. Such frequent situations of water crisis alarm us to conserve water and prevent its misuse. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बेसिकली हमें जागरूक करने के लिए है कि अब तो हमें इस चीज़ को समझना होगा और हमें पानी को बचाना होगा. The scarcity of water can be overcome by the proper management of available water, which helps in the conservation of water and minimize its wastage. तो अब ये जो हमारे पास पानी की कमी है, हम इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, यानी कि इससे कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? हम पानी का अगर अच्छे से मैनेज करके यूज़ करें, यानी कि हम उसको एफिशिएंटली यूज़ करेंगे, तो हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं और उसकी वेस्टेज जो है उसे भी कम कर सकते हैं. Some of the steps which can be taken for the proper management of water are given below. अब इन्होंने नीचे हमें कुछ steps दिए हुए हैं जो बहुत important है हमारे पानी को water management के लिए.
फर्स्ट क्या दे रखा है इन्होंने, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जो हमारा रेन वाटर है हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं। वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर टू ओवरकम इट्स शॉर्टेज इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो सबसे पहला क्या काम है, हम अपने अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर को कैसे बचा सकते हैं या कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि हम अपने रेन वाटर को कंजर्व करें, उसको यूज़ करें। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम द रूफ्स एंड स्ट्रीट कम्स एंड स्टोर्स कॉर्नर्स एंड स्टोरिंग इट फॉर लेटर यूज इज कॉल्ड द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब बेसिकली रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, जब बारिश होती है तो जो बारिश का पानी है हम उसको सेव कर सकते हैं। कैसे सेव कर सकते हैं, अब जैसे हमारी छतों पे पानी आता है, ठीक है, हमारे स्ट्रीट के कॉर्नर्स पे जो पानी आता है, उन सबको क्या करते हैं हम यूज़ कर सकते हैं, सॉरी स्टोर कर सकते हैं, ताकि हमें इन फ्यूचर जब उस पानी की नीड हो तो हम उसको फिल्टर करके या जैसे भी हो उसको यूज़ कर सकें। इन दिस मेथड वाटर इज़ कलेक्टेड इन परकोलेशन पिट्स एंड रिचार्ज वेल सो एज टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर। अब इस मेथड में क्या करते हैं, हम जो पानी है उसको गड्ढे के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है, और जिसको हम ग्राउंड वाटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ एन आइडियल सॉल्यूशन टू वाटर प्रॉब्लम इन एरियाज़ विद इनएडिक्वेट वाटर रिसोर्सेज। अब जिन जिन जगहों पर हमारे पास वाटर के कम रिसोर्सेज हैं वहाँ पर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ताकि वहाँ पर स्कार्सिटी ना हो या फिर पानी की कमी ना हो। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे हमें इमेज दी हुई है कि कैसे यहाँ पर छत पर इन्होंने अपनी कंक्रीट रूफ के ऊपर जो पानी है आ रहा है, जो पानी हमारा बारिश का आ रहा है, कैसे इन्होंने यहाँ पर पाइप लगा रखा है और पाइप से वो पानी बहता हुआ नीचे अंडरग्राउंड के अंदर इन्होंने एक टैंक बना रखा है जिसके अंदर वो पानी जाकर सारा स्टोर हो रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है उससे नीचे जाते जाते वो परकोलेशन पिट में जा रहा है, यानी कि उस गड्ढे में जा रहा है जहाँ पर जाकर हमारी ग्रेवल और ब्रोकन ब्रिक्स हैं जहाँ पर वो फिल्टर होता हुआ नीचे ग्राउंड वाटर में जाता जा रहा है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में भी एडवांटेजेस ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारे लिए एडवांटेजेस कैसे है, द वाटर टेबल कैन बी रेज्ड बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है हम उसे इंक्रीज कर सकते हैं। इट रिड्यूसेस द रन ऑफ लॉस ऑफ रेन वाटर। इससे क्या होता है कि जो हमारा पानी है, जो रेन वाटर है, हम उसको बचा सकते हैं। Availability of water supply for irrigation and other purpose is also maintained in dry months. और ये जो पानी rain water harvesting करके जो हम पानी को store करेंगे, हम इसको further use कर सकते हैं। किस चीज़ में, irrigation में use कर सकते हैं, और भी जो काम में हमें need होगा हम उसमें इसे use कर सकते हैं। इट रिड्यूसेस फ्लड एंड टॉप सॉइल इरोजन। अब क्या होगा, जो एक्सेस वाटर अगर हम स्टोर कर लेंगे तो उससे फ्लड नहीं होगी, तो वो हमारे काम आ जाएगा। और जो सबसे ऊपर की जो टॉप मोस्ट लेयर, जब भी फ्लड आती है ना तो क्या होता है, हमारे सॉइल की जो टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर होती है वो उस फ्लड के साथ बह जाती है। तो जब फ्लड भी नहीं आएगी तो हमारी जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है वो भी बच जाएगी। इट रिड्यूसेस स्ट्रेन ऑन अदर मोड्स ऑफ वाटर सप्लाई। और इससे क्या होगा, जो हमारे अदर मोड्स है जिससे हमें पानी मिल रहा है, जैसे कि पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उस पर भी स्ट्रेन थोड़ा कम पड़ेगा। इट इंक्रीजेज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर। हमारे पास क्लीन वाटर भी अवेलेबल होता है, क्योंकि हमें पता है कि रेन इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, पर आजकल इतनी पॉल्यूशन है कि वो रेन वाटर इतना प्योर नहीं रहता, बट स्टिल वी कैन यूज़ इट बाय प्योरीफाइंग इट। प्रिवेंशन ऑफ वेस्टेज ऑफ वाटर। अब हम वाटर वेस्टेज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, द वेस्टेज ऑफ वाटर इन हाउस होल्ड्स कमर्शल बिल्डिंग्स स्कूल्स एंड पब्लिक प्लेसेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय क्लोजिंग टैप्स व्हेन नॉट इन यूज रिपेयरिंग एनी लीकेज फ्रॉम पाइप्स एक्सेट्रा। अब ये कितनी बेसिक चीज़ है कि हम पानी की वेस्टेज को कैसे रोक सकते हैं। अगर हमारे घर में कोई लीक्ड टैप है, या हमारे स्कूल में, या हमारे आसपास अगर कोई भी लीक्ड टैप है, तो हम उसको रिपेयर करवा सकते हैं, ठीक है। और जब हमें पानी को नहीं यूज़ करना, उस टाइम पर हम टैप को क्लोज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ब्रश कर रहे हैं, ठीक है, अब ब्रश करते वक्त हमें पूरे टाइम पानी की ज़रूरत नहीं होती, तो जिस टाइम हमें नीड नहीं है हमें टैप को क्लोज़ कर देना चाहिए। थर्ड आता है रीयूज़ ऑफ वाटर। अब हम पानी को रीयूज़ कैसे करते हैं, तो पहले मैं बता देती हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आजकल हम सबके घर में फ़िल्टर्स और आरओ लगे हुए हैं,
तो आरओ से क्या होता है, जो फिल्टर्ड पानी होता है वो तो हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो अनफिल्टर्ड पानी होता है हम उसको ड्रेन ना करके उसको स्टोर कर ले बकेट में, ताकि नेक्स्ट डे हम उसको मॉपिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सके। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ट्रीटेड वेस्ट वाटर कैन बी यूज फॉर वाटरिंग लॉन्स एंड गार्डन्स। अब जो हमारा वेस्ट वाटर होता है, ठीक है, जैसे कि हमने फिल्टर्ड पानी तो यूज़ कर लिया, पर अब जो वेस्ट वाटर निकला है उसको हम पौधों में पानी देने के लिए यूज़ कर सकते हैं, व्हीकल्स को धोने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बिल्डिंग को क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और कंस्ट्रक्शन पर्पसेस में यूज़ कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन सेविंग फ्रेश वाटर। इससे क्या होता है, जो हमारा फ्रेश वाटर है वो तो सेव हो गया, क्योंकि हमें पौधों में पानी देने के लिए या किसी चीज़ को, सॉरी, व्हीकल्स को धोने के लिए हमें बिल्कुल फ्रेश वाटर की नीड नहीं होती है, हम वेस्ट वाटर से भी काम चला सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिवाइवल ऑफ बॉरीज। एट मैनी प्लेसेस इन इंडिया वी हैव एन एज ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ वाटर स्टोरेज एंड वाटर रिचार्ज सिस्टम लाइक बावरीज। अब बावरीज है क्या, अभी पहले हम पढ़ेंगे। तो इन्होंने क्या बताया, बावरीज बेसिकली क्या है, हमारे इंडिया में पुराने टाइम पे लोग पानी को स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया करते थे। बावरी इज़ अ स्टेप वेल इन विच द रेन वाटर इज़ कलेक्टेड इन एंड स्टोर्ड। अब बावरी क्या है, एक हमारे कुएं की तरह है जिसके अंदर हमारा जो रेन वाटर है उसको हम स्टोर करके रखते हैं। इट प्रोवाइड्स वाटर टू द पीपल ड्यूरिंग ड्रॉट पीरियड्स। अब जब सूखा पड़ता है तो उस टाइम पर ये जो पानी है वो बहुत काम आता है। ड्यू टू द एक्यूट वाटर शॉर्टेज फेस्ड बाय द पीपल इन सम प्लेसेस द बावरीज आर बींग रेनोवेटेड एंड रिवाइव्ड। अब जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल पानी की शॉर्टेज बहुत बढ़ती जा रही है, तो जो बावरीज हैं इनको नया बनाया जा रहा है, और नहीं है तो उनको रेनोवेट किया जा रहा है, ताकि हम वहाँ पर जो लैक ऑफ वाटर है उसको, या स्कार्सिटी ऑफ वाटर है उसको ओवरकम कर पाए। इन 1985 जोधपुर फेस्ड एन एक्यूट वाटर शॉर्टेज। अब 1985 में जोधपुर में बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी पानी की, तो द गवर्नमेंट हैज़ वॉज थिंकिंग ऑफ शिफ्टिंग द पीपल ऑफ द सिटी टू द अनदर प्लेस। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हम यहाँ के लोगों को किसी और जगह पे शिफ्ट कर देते हैं। देन बावरीज वर क्लीन्ड अप टू द टाइड ओवर द प्रॉब्लम। फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्या करा वहाँ पर बावरीज जो बनाई हुई थी, यानी कि जो वेल बनाई हुई थी, उन्होंने उनको क्लीन करा, फिर वहाँ पर उन्होंने पानी को कलेक्ट करा, और फिर उससे क्या हुआ, उनकी जो स्कैर्सिटी थी पानी की वो ओवरकम हो गई। नेक्स्ट आता है हमारा ड्रिप इरिगेशन। प्लांट्स नीड सफिशिएंट वाटर टू ग्रो। अब प्लांट्स जो है उनको प्रॉपर पानी चाहिए होता है, सफिशिएंट अमाउंट में पानी चाहिए होता है ताकि वो बढ़ सके। प्लांट्स एब्सॉर्ब वाटर थ्रू द रूट्स। अब प्लांट जो है अपना रूट्स के थ्रू ही सारा वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स है वो ही लेते हैं सॉइल से। ड्रिप इरिगेशन इज़ अ टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ अ सिस्टम ऑफ नैरो पाइप्स और ट्यूब्स विद स्मॉल होल्स विच डिलीवर द वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली अराउंड द रूट्स। अब देखो ये कितना इंटेलिजेंट वे है कि इसके अंदर हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, और हमारा जो वाटर है वो एक सफिशिएंट अमाउंट में क्रॉप्स को मिलता रहेगा। तो कैसे मिलेगा कि उन्होंने क्या करा, ड्रिप बेसिकली क्या हो गया, एक उन्होंने पाइप का यूज़ करा जिसके थ्रू जो पानी था वो उससे फ्लो करता था, और उन्होंने क्या करा, उन पाइप्स में छोटा छोटा होल कर दिया ताकि जो क्रॉप्स हैं उनको उस होल के थ्रू पानी मिलता रहे, कंसिस्टेंटली पानी मिलता रहे जो डायरेक्टली उनकी रूट्स में जाएगा, अराउंड द रूट्स जाएगा। दस वेस्टेज ऑफ वाटर इज़ अवॉइडेड। तो इससे क्या होगा, पानी भी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने बहुत एक्सेस में पानी भी नहीं दिया और जितना चाहिए उतना मिल भी गया। दिस सिस्टम अलाउज द फार्मर्स टू प्रोड्यूस अ हाई यील्ड विद वेरी लिटल वाटर। तो इससे क्या होता है, हमारे फार्मर्स को बहुत फ़ायदा होता है कि वो कम पानी में अच्छी अमाउंट की क्रॉप या अच्छी क्वालिटी की क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम्स। अब डैम्स बेसिकली क्या होता है, हमारा पानी स्टोर करता है, कलेक्ट करता है। An artificial wall built across a river which allows the water to collect behind it in a reservoir is known as dam. अब एक artificial wall सी बनाई जाती है किसी river के पीछे, जहाँ पर जो हमारा river का पानी है उसको हम collect करते हैं, वो reservoir की तरह, यानी कि वहाँ पर हमने उस पानी को reserve करके रख दिया ताकि जब हमें नीड हो तो हम उसे यूज़ कर सके। अ सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल कैनाल्स चैनलाइजेज वाटर फ्रॉम द रिजर्वियर टू द रीजन डाउनस्ट्रीम फॉर इरिगेशन। अब इन्होंने क्या करा, पीछे की तरफ से एक आर्टिफिशियल कैनाल जैसा बना दिया, यानी कि जिसके थ्रू पानी फ्लो करता हुआ हमारा इरिगेशन के लिए हम यूज़ कर सके। रेन वाटर और रिवर वाटर कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम फ्लोइंग अवे बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम। अब जो रेन वाटर है जो हमारा, हम उसको भी प्रिवेंट कर सकते हैं कि वो वेस्ट ना हो, बल्कि वो जो भी जाएगा वो उधर कलेक्ट होता जाएगा। द डैम्स कंट्रोल फ्लड्स
provide water for irrigation. Industries solving drinking water problems, especially during summer season, generate electricity, etc. अब जो हमारे dams हैं वो floods को control करते हैं. क्यों? क्योंकि अगर वो पानी हमारा शहर में चला जाएगा तो वहाँ तो बाढ़ आएगी, लेकिन हम अगर उसे particular जगह पर वो जाके store होता रहेगा तो basically वो collect हो जाएगा, वहाँ से कहीं जाएगा थोड़ी, ठीक है. और फिर उससे क्या होगा, हमारी जो वाटर की प्रॉब्लम है यानी कि जो पानी की कमी की प्रॉब्लम है वो भी हम उसे ओवरकम कर सकते हैं. जैसे कि गर्मियों में हम उसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए या नॉर्मली भी हम उसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो सकता है.